तो देखिए स्टूडेंट, आज जो अपन ले रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, इसका मतलब क्या है कि जैसे आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नई गुड्स बना रहे हैं, तो वो मार्केट में जल्दी से बिकती नहीं है, तो आप उसको अप्रूवल बेसिस पे देते हो। दुकानदार को कहते हो यार आप एक बार दुकान पे तो रख लो, एक बार बिक जाए तो पैसे दे देना, नहीं तो गुड्स वापस दे देना। उसको बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इसकी एंट्री होती है, वैसे तो जब माल बेचा होगा तो आप एंट्री क्या करोगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। मान लो 5,000 की कॉस्ट की गुड्स थी और आपने सेल की थी 6,000 में, तो आपने एंट्री की होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 6,000। अब 31 मार्च तक उसका कोई फोन ही नहीं आया कि गुड्स बिकी या नहीं बिकी, तो फिर आपको अजम्पशन लेना पड़ता है गुड्स बिकी या नहीं बिकी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने फिक्स रूल किया क्या कि गुड्स नहीं बिकी। भाई जब अगले का फोन नहीं है तो आप कैसे मान सकते हो गुड्स बिक गई, तो इसीलिए गुड्स नहीं बिकी, तो इस एंट्री को कैंसिल करना पड़ेगा। ये बात तो आप जर्नल में कर ही चुके हो, ये एंट्री, उसको कैंसिल करने के लिए एंट्री होगी उल्टी एंट्री, ये रिवर्स एंट्री है। रिवर्स एंट्री क्या है, सेल टू डेटर, और ये 6,000 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी। तो एक एंट्री तो इसकी होगी, ये वाली एंट्री का सोचनी है, करनी नहीं है, ये इसकी रिवर्स हो रही है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ये 31 मार्च को ये एंट्री हो जाती है। फिर अब ये आपके 6,000 की चीज थी, आपने कैंसिल कर दी, अब वास्तव में इसकी कॉस्ट थी 5,000। अब आपके पास कुछ ऐसी गुड्स हो गई जो आपके पास बिकी तो नहीं है आपकी, लेकिन वो आपके पास अभी नहीं है, वो कहाँ पड़ी है, उस शॉपकीपर की दुकान में पड़ी है, वो क्लोजिंग स्टॉक में शामिल नहीं है, पर वो बिकी तो नहीं, तो वो क्लोजिंग स्टॉक में शामिल होनी चाहिए। अब वो क्लोजिंग स्टॉक में शामिल होनी चाहिए तो उसके लिए आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो इस चैप्टर में फर्स्ट एंट्री अपन ने समझी थी, और ये एंट्री होगी 5,000 रुपये से। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में दो एंट्री होती है, चेक करिएगा, है ना, एक तो ये सेल टू डेटर नंबर वन, और नंबर टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये वाली जो एंट्री होती है सेलिंग प्राइस पे होती है, जो सेल एस से आ रहा है, और ये वाली एंट्री जो है वो कॉस्ट प्राइस पे होती है, जो सी से आ रहा है। इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं कि इस टॉपिक में दो एंट्री होती है। कैसे होती है ये मैं आपको बताऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 21 में, कि यहाँ क्या क्या आपको दे रखा है, चेक करो। ये दे रखा आपको 5,000 की चीज है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे आपने बेची है 6,400 में। इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस का टोटल है 3,61,280, ठीक है। 5,000 की चीज है, आपने 6,400 में बेची है 29 मार्च को, और हमने उसको एक्चुअल सेल्स मान लिया था, पर ये अप्रूवल बेसिस पर है, फोन आया नहीं, तो अब अपन को इसकी क्या एंट्री करनी पड़ेगी। पहली एंट्री आप करोगे सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर 6,400, और दूसरी एंट्री आप करोगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना, 5,000। अब देखो सेल को डेबिट किया तो सेल के तो क्रेडिट होती है, डेबिट करने से कैंसिल हो गई, और डेटर तो डेबिट होते हैं, उनको क्रेडिट कर दिए तो ये भी कैंसिल हो गए, तो सेल और डेटर दोनों से 6,400 कम होंगे। चेक करते हैं, ये सेल 6,400 से कम हो रही और ये डेटर 6,400 से कम हो रही, चेक कर लो दोनों कम हुए इस वाले अमाउंट से। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हुआ है 5,000 से, तो क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट बन गया, तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो आपका 5,000 रुपये एड होगा नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक में, और एक क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपये आपका एड होगा नीचे एसेट साइड में। तो क्लोजिंग स्टॉक 5,000 से बढ़ गया और डेटर और सेल 6,400 से कम हो गई, ये अपन ने पूरे एडजस्टमेंट में सीखा। बाकी पॉइंट नंबर वन में क्लोजिंग स्टॉक दे ही रखा था, हो जाएगा। फिर कहता है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन 5% ऑन डेटर, ये भी डेटर पर ही है, पर पहले एडजस्टमेंट आपको ये जो अपन ने किया ना ये वाला ही करना पड़ेगा, आप दूसरा एडजस्टमेंट जो है वो नहीं कर सकते। तो 5% आपको प्रोविजन जो है वो बनाना है, तो चेक करो 5% प्रोविजन आपने ये बनाया, 30,000 का 5%, 1,500 का प्रोविजन जो है वो आपने बनाया। मान लो इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर थ्री जो है वो अगर पहले होता, पहले यहाँ होता इस पॉइंट नंबर टू से पहले, तो भी मुझे पहले पॉइंट नंबर टू करना पड़ता, पहले सेल्स ऑन अप्रूवल का एडजस्टमेंट होता है उसके बाद प्रोविजन बनता है, ये बात आपको याद रखनी है। पहले सेल्स ऑन अप्रूवल का एडजस्टमेंट होगा उसके बाद ही प्रोविजन बनेगा, यानी प्रोविजन बाद में बनता है। पॉइंट नंबर फोर में लिखा है कि 1/5 ऑफ द लूज टूल रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब वही डेप्रिसिएशन है, लूज टूल पे 1/5 आपको राइट ऑफ करना है, तो चेक करो लूज टूल आपके, देखो ये रे लूज टूल 5,000, इसका 1/5 होता है 1,000, वो राइट ऑफ कर दो, डेप्रिसिएशन लगा दिया तो 4,000 के ही बचे, ये 1,000 आपका नुकसान है, ये आप लूज टूल पे डेप्रिसिएशन आप यहाँ दिखा सकते हैं, ये रहा डेप्रिसिएशन 1,000 रुपए का लूज टूल के ऊपर। इसके अलावा कह रखा है जनरल मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन, वही कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर
बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ध्यान देना बिफोर लिखा है, और बिफोर में वही थर्ड पार्ट में दिखाना है, ये आपका जीपी निकला, ये आपका सेकंड पार्ट से प्रॉफिट निकला, ये प्रॉफिट यहाँ आया, और इस बार बिफोर है तो ये 40,000 पे निकलेगा, 40,000 इंटू 5/100, आपके प्लस रेट नहीं हुआ क्योंकि बिफोर में 100 ही नीचे रहता है, प्लस 5 नहीं होता है, तो ये बिफोर चार्जिंग कमीशन 2,000 रुपये निकाल दिया, 40 में से 2 गया, कितना बचा 38, ये आपका नेट प्रॉफिट है, ये 38 नीचे जाके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपके बिफोर का है, बिफोर में 5/100 ही होता है, 100 प्लस रेट नीचे नहीं आता है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि कोई नई चीज आ रही है तो आप यहाँ देख सकते हैं गिफ्ट टू वाइफ, अब गिफ्ट टू वाइफ पर्सनल खर्चा हो गया, ये ड्राइंग्स रहेगा। इसके अलावा दे रखा है कमीशन पेड इन एडवांस, ये प्रीपेड है, और प्रीपेड जो है वो आपको एसेट्स में दिखा दिया गया है, ये प्रीपेड जो है वो आपको एसेट्स में दिखा दिया गया है, तो ये आपकी एसेट बनेगा, और आप एसेट में इसको दिखाएंगे कितना 400 कमीशन पेड इन एडवांस। अभी तक में कोई देखो इस क्वेश्चन में एक दो चीजें और हैं, अगर अपन देखेंगे यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखा है, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे रखा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आने वाली चीज एक ही बार आती है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आपकी लायबिलिटी में आएगा, ये वेजेस में ऐड नहीं होगा, चेक कर सकते हैं वेजेस में, चेक करो आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये देखो लायबिलिटी के अंदर दे रखी है, यहाँ वेजेस में कुछ ऐड नहीं होगा, चेक कर लो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर आने वाली चीज एक ही जगह आती है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप देखेंगे सस्पेंस अकाउंट दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं थी, हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया, और ये डेबिट साइड में ओपन किया है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में, जिससे दोनों साइडें बराबर हो जाए, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो अब हम इसमें कोई करेक्शन तो कर नहीं सकते, तो ये जो सस्पेंस अकाउंट है ये आपकी एसेट बनेगा, चेक करो डेबिट हुआ था एसेट बन गया, अगर यही चीज क्रेडिट होती तो यहाँ लायबिलिटी बन जाती, तो ध्यान देना सस्पेंस अकाउंट जो है अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया था, पर सस्पेंस अकाउंट अगर डेबिट होता है, अगर डेबिट है तो एसेट्स है, अगर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होता तो फिर ये लायबिलिटी बन जाता, ये भी अपन को याद रखना है। एक और पॉइंट इसमें अपन देख सकते हैं कि यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दे रखा है 800, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दे रखा है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, अंदर दे रखा है तो एक ही जगह आएगा, तो ये जो एक जगह होगी ना ये P&L होगा, तो चेक करो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आपने यहाँ दिखाया है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, और चेक करो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन आपने यहाँ नहीं दिखाया है, क्योंकि जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है वो एक ही जगह आती है, और ये एक जगह आने वाले सारे ट्रीटमेंट आपको याद कर लेने हैं, ये नोट्स में दे रखे हैं, ये एंट्री के बेस पे होते हैं। देखिए 22 की अपन बात करें तो 22 में आपको जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं, क्लोजिंग स्टॉक तो आपको आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड ऑन डेटर 5% एंड डिस्काउंट ऑन डेटर 2%, दो बार प्रोविजन बनाना है, आपको पता है पहले डेटर पे बने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनेगा, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनेगा, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक दे रखा है सैलरी 3,000 पेड टू श्री पी कुमार, एक एम्प्लॉय को सैलरी पे की, हमने गलती से डेबिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट को, यानी हमको एंट्री करनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हमने ये तो की नहीं, हमने कर दी पी कुमार अकाउंट डेबिट टू कैश, अब कैश तो सही है पर पी कुमार को डेबिट नहीं करना था, तो करेक्शन करेंगे पी कुमार को कर देंगे क्रेडिट, ये सही एंट्री है ये गलत एंट्री है, और सैलरी को डेबिट करना था सैलरी को डेबिट कर देंगे, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पी कुमार, इस वाले एडजस्टमेंट की एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पी कुमार, तो देखो सैलरी डेबिट होगा 3,000 से, तो सैलरी में तो 3,000 रुपए जुड़ जाएंगे, और पी कुमार क्रेडिट होगा 3,000 से, तो पी कुमार अपन ने यहाँ देखो लिखा हुआ है पी कुमार एक पर्सनल अकाउंट है, ये एसेट है हमारी, जो भी पर्सनल अकाउंट होता है अगर वो डेबिट है तो डेटर बनता है ना, वो डेटर है 3,000 से, लेकिन वो क्रेडिट हो गया तो 3,000 से डेटर कम हो जाएगा और सैलरी 3,000 से बढ़ जाएगी, चेक करो सैलरी में 3,000 रुपए जोड़े, और यहाँ 3,000 रुपए से पी कुमार नहीं दिखाया, यानी पी कुमार अगर को अगर मैं यहाँ दिखाता तो मैं क्या करता, पी कुमार 3,000 माइनस 3,000 कितना लिखता, निल, जो उसने दिखाया ही नहीं, इसने कहा दिखाते ही नहीं, तो इसने जीरो दिखाया, चेक कर लो पी कुमार का निल अमाउंट कहीं दिखाया नहीं, क्यों निल है, पर आपको ऐसे करके दिखाना चाहिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा एडजस्टमेंट है। अब इसने कहा था डेटर पे 5% प्रोविजन बनाइए और बैड डेट्स का और डिस्काउंट का 2%, तो चेक करो बैलेंस शीट में 40,000 के डेटर है, पहले इसका 5% प्रोविजन बनेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बचा 38, अब इस 38 पे 2% का प्रोविजन बनेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो ये दोनों प्रोविजन आपके बन जाएंगे, इसमें भी कोई नई बात नहीं है, 5-7 बार पहले भी आ चुका है। स्टेशनरी बिल ऑफ 200 रिमेन अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, स्टेशनरी का खर्चा है
तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तो पहली बात तो स्टेशनरी के 200 के खर्चे हुए और ये आउटस्टैंडिंग भी है, तो चेक करो पी एंड एल की डेबिट साइड में स्टेशनरी का खर्चा आपको दिखाना पड़ेगा 200 रुपए का, ये रहा स्टेशनरी और ये अभी तक आउटस्टैंडिंग भी है, तो आप स्टेशनरी का आउटस्टैंडिंग खर्चा यहाँ दिखाएंगे 200 रुपए का। तो ये आउटस्टैंडिंग का दिखाने का एक तरीका इन्होंने और बताया। एक इन्होंने कहा राइट ऑफ 1/3 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पांचवें पॉइंट में लिखा है 1/3 राइट ऑफ करने हैं, तो चेक करो ये एडवर्टाइजमेंट है 9000 का 1/3 3000 यहाँ राइट ऑफ किया यानी डेप्रिसिएशन लगाया और बाकी के 6000 अभी भी आपकी एसेट्स में दिखाई देंगे, ये रे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 6000। इनको क्या कहते हैं याद करो, इनका नाम था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो खर्चे एसेट्स में दिखाए जाते हैं मतलब उनका पार्ट, वो पार्ट जो राइट ऑफ नहीं हो पाया आप उनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं और एडवर्टाइजमेंट इसका एग्जाम्पल है, ये बात पहले भी आ चुकी है। संडी क्रेडिटर पॉइंट नंबर 6 में लिखता है संडी क्रेडिटर इंक्लूड 10,000 लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर सुधीर ऑन 12%, ठीक है तो लोन है उस पर 12% का ब्याज लगना है, तो 10,000 का 12% 1200 और 1 सितंबर को लिया है तो 7 महीने का ब्याज लगेगा, 700 रुपए का इंटरेस्ट लगना चाहिए और 700 रुपए का इंटरेस्ट लगना चाहिए पर इंटरेस्ट का तो कोई खर्चा ही नहीं दे रखा, तो ये 700 रुपए इसका मतलब आउटस्टैंडिंग हो गए। चेक करो इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है 700 रुपए का और ये 700 रुपए आपकी लायबिलिटी बनेगा। चेक करो इन्होंने 700 रुपए यहाँ ऐड कर दिए आउटस्टैंडिंग, आप अलग से दिखाइएगा, 700 रुपए अलग से दिखाना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से काफी सारे एडजस्टमेंट इसके अंदर थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं और तो कोई नई चीज इसके अंदर नहीं है। देखो यहां अपन ने क्या किया कि क्रेडिटर्स जो थे ना वो हमारे थे ज्यादा, क्रेडिटर थे हमारे 40,000, 40 में से 30 यहां दिखा दिए और जो सुधीर का लोन था 10,000 वो यहाँ दिखा दिया, तो अलग अलग कर दिया इनको, बाकी दिखाया तो लाइब्रेरी में ही है पर अलग अलग करने से क्या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वगैरह जो अलग इनको ऐड करने थे। मैं तो कह रहा हूँ ये 700 रुपए भी आप अलग से ही दिखाओ और लोन फ्रॉम सुधीर अलग से 10,000 दिखा दो और क्रेडिटर 10,000 अलग से दिखा दो, ये सुधीर के देखो 10,000 यहाँ से लेस किए और लेस करके यहाँ दिखा दिए, तो सब चीजें अलग अलग दिखानी चाहिए जिससे कि एडजस्टमेंट करना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 23 आप देखें, इसमें आपको दो तीन चीजें दे रखी हैं, एक तो नीचे ये देखो दे रखा है पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ श्री देव की शरण, तो ये ड्राइंग्स हैं, फालतू के लैंग्वेजेस देता है तो आप लोग उलझे नहीं। बैड डेट्स रिकवर्ड दे रखा है, ये आपकी इनकम है पी एन एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, सिर्फ लायबिलिटी में आएगा और कहीं नहीं आएगा। और कोई एडजस्टमेंट स्पेशल है तो नीचे देखते हैं पॉइंट नंबर 1 एन एसेट्स वर सोल्ड, इसकी बुक वैल्यू 20,000 थी and cash was used by the proprietor to purchase a computer for his personal, यानी कुल मैं के drawings हो गई, 20,000 रुपए का आपकी कोई asset बेची है। However, 20,000 stood added in cash, यानी 20,000 जो cash में आया था वो तो cash में है, पर 20,000 रुपए की जो drawings थी वो आपने नहीं दिखाई है, तो वो drawings के तौर पर आपको दिखानी पड़ेगी, तो check करो आप उसे 20,000 drawings के अंदर यहाँ दिखाएंगे, 20,000 रुपए drawings में आप यहाँ दिखाएंगे और उस 20,000 के लिए और क्योंकि वो 20,000 रुपए कैश में इंक्लूडेड था तो कैश में से यहां से लेस हो जाएगा, तो कैश इतना ही बचा और यहां वो कैपिटल में से लेस हो गया 20,000 ड्राइंग्स के तौर पे, तो डबल एंट्री अपने आप बैठ गई, 20,000 रुपए एसेट में से भी लेस हो गया और 20,000 लायबिलिटी में से भी लेस हो गया, तो ये अलग टाइप का ट्रीटमेंट था, इसको आपको याद रखना है। भाई ये एक ड्राइंग्स है और ड्राइंग की एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ड्राइंग तो यहाँ आ गई और कैश चला गया तो कैश आपने यहाँ दिखा दिया, इस तरीके से आपने इसका ट्रीटमेंट जो है वो किया है। आगे के एडजस्टमेंट में देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में परचेज इंक्लूड कंप्यूटर 30,000 का, 1 नवंबर को खरीदा था। अब परचेज के अंदर कंप्यूटर क्या कर रहा है, वो तो गुड्स आती है, तो कंप्यूटर 30,000 यहाँ से हटाना पड़ेगा और अलग से एसेट्स में दिखाना पड़ेगा, तो चेक करो परचेज में से कंप्यूटर को 30,000 को लेस किया और ये 30,000 रुपए नीचे जाकर आप कंप्यूटर के तौर पर एसेट्स के तौर पर आप यहाँ दिखा रहे हैं और देन इस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा 5 महीने का, 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आपने इसको 1 नवंबर को खरीदा है। इसलिए पॉइंट नंबर 3 में लिखा है एन एडवांस ऑफ 40,000 टू सप्लायर वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन डेटर, कहते हैं सप्लायर को 40,000 रुपए दिए थे, सप्लायर होता है हमारा क्रेडिटर, हमने उसको 40,000 रुपए दिए थे, तो हमने सप्लायर को एडवांस दे रखा था तो ये हमारी एसेट थी लेकिन हमने इसको गलती से डेटर में लिख लिया, तो डेटर से तो हटाना पड़ेगा, तो चेक करो डेटर से हमने 40,000 रुपए हटा दिए और ये 40,000 रुपए अलग से एडवांस टू सप्लायर के नाम से दिखा दिए, है तो ये हमारा डेटर ही पर ये हमारा
वो क्रेडिटर है जिसको हमने एडवांस दे रखे हैं, इसीलिए फिर इसको अलग से दिखाना जरूरी है, आप इसको नॉर्मल डेटर में नहीं रख सकते, ये बात अपन को याद रखनी है। देखिए पॉइंट नंबर सिक्स में जो आपको बात कही गई थी उसको एक बार वापस से देख लीजिए, आपको कहा गया था कि डेटर में इंक्लूड कर दिया आपने 40,000 रुपए सप्लायर के, तो ऑब्वियस है ये 40,000 रुपए डेटर में शामिल नहीं होने चाहिए, तो डेटर से हटाओ, और एडवांस दे रखा है तो एसेट्स तो है तो आपको उसको एसेट्स में तो दिखाना पड़ेगा, तो एसेट्स में आपने दिखा दिया, पर ये डेटर में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने डेटर में शामिल कर लिया तो आगे जाके आप उसको प्रोविजन भी बना दोगे जो कि गलत हो जाएगा, इस पर प्रोविजन बन नहीं सकता, इसीलिए इसको फिर इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। आगे कहता है पॉइंट नंबर फोर में, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड इन 5 ईयर, वही एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 5 सालों में राइट ऑफ करना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, तो आप देखिए एडवर्टाइजमेंट है 60,000, 60,000 का 1/5 हो गया 12,000, बाकी का बचा 48, वो 48 आपकी एसेट बन जाएगा, ये अनएक्सपायर्ड एडवर्टाइजमेंट के नाम से दिया है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 48,000 जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा। आगे देखें डेप्रिशिएट फर्नीचर, ये आपको आता है राइट ऑफ बेड डेट्स, ये फर्दर बेड डेट्स है, और फिर 5% का प्रोविजन बनाना है, हो जाएगा ये। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 74,200 है, द डिफरेंस वाज ऑन अकाउंट ऑफ बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। देखो पासबुक कह रही है कि बैंक का बैलेंस है 74,200, और हमारे यहाँ जो बैंक का बैलेंस दे रखा है वो 74,200 दे रखा है, लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है वो बैंक का बैलेंस, आप देखिए बैंक का बैलेंस है 75,000, यहाँ 75,000 है, जबकि नीचे आपको कह रहे हैं कि वो 74,200 है, सो देर इज ए डिफरेंस ऑफ 800, क्योंकि पासबुक में 800 रुपए कम है, वो किस बात के कटे, वो कटे बैंक चार्जेस के, तो चेक करो यहाँ तो आप 74,200 ही दिखाएंगे, आप 75 नहीं दिखाएंगे, और 800 रुपए जो है वो बैंक चार्जेस के नाम से डिफरेंस अमाउंट से आपके पीएनएल की डेबिट साइड में आ जाएंगे, तो ऐसा भी ट्रीटमेंट हो सकता है जहाँ डिफरेंस निकाल के आपको ये पता करना पड़ा कि बैंक चार्जेस 800 रुपए के निकले कैसे। आगे आपको कहता है क्लोजिंग स्टॉक का वर्जन 1,00,000 है लेकिन रिलाइजेबल वैल्यू 80,000 ही है, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस 1,80,000 है, ठीक है, और गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये तो अगले साल हुआ है, इस साल हुआ ही नहीं है, 5 अप्रैल को हुआ है, हमारा ईयर तो 31 मार्च को ही खत्म हो गया, तो स्टॉक हम दिखाएंगे 1,80,000 दोनों में से जो कम हो, तो चेक करो 80,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है, और ये वाला जो डिस्ट्रॉयड बाय फायर है ना 10,000 रुपए, ये कहीं दिखाया ही नहीं जाएगा, उसको उल्टा हम नोट में दिखा सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट ये रहा, गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 5 अप्रैल विच इज एन इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये तो बैलेंस शीट की डेट के बाद हुआ है, हेंस इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये 31 मार्च के अकाउंट में इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि ये उसके बाद अकर हुआ है, ये अगर उससे पहले अकर हो जाता ना 31 मार्च या उससे पहले तो ही हम उसे अकाउंट में दिखा सकते थे। देखो एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो लाइन लिखी है उस लाइन को एक बार वापस से देख लो, लैंग्वेज का ट्रिक है कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज टू बी एलोकेटेड ओवर 5 ईयर, यानी आपको डिवाइडेड बाय 5 करनी है, तो डिवाइड बाय 5 करनी है या मल्टीप्लाइड बाय 1/5 करनी है, वो एक ही बात होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 5 सालों में बांटनी है, कुल मिला के ये करना है, तो डिवाइड बाय 5 कर दो, वो आपका आ जाएगा एक्सपेंस में, और बाकी का जो खर्चा है वो आपका आ जाएगा एसेट्स के अंदर, वो लैंग्वेज का ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए अब एग्जांपल नंबर 24 पर आ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस का टोटल है 17,00,000 का, अब इसमें क्या एडजस्टमेंट दे रखे हैं देखिए, एक तो आपको दे रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम का एनुअल प्रीमियम 1 जनवरी को पे किया गया, 1 जनवरी 2020 को, और हमारा तो ईयर ही 31 मार्च को खत्म हो गया, यानी 3 महीने तो इस साल के बीते, बाकी तो 9 महीने का अगला हो गया, तो इसका मतलब वो प्रीपेड हो गया, तो 16,000 जो है ना वो तो 12 महीने का है, तो 9 महीने का कितना होगा 12,000, तो 12,000 आपका प्रीपेड है, चेक करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 रुपए का प्रीपेड है, ये देखो प्रीपेड 12,000 है, ये 12,000 लेस करके केवल 4,000 का ही खर्चा दिखाया गया 3 महीने का, और ये 12,000 आपकी एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से ही आ गया, तो इस बार ये काफी बड़े अमाउंट में है। इसके अलावा एक्रूड इनकम दे रखी है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, एक ही जगह आएगा एसेट्स के अंदर, 5,000 रुपए एक्रूड इनकम आप देख सकते हो, 5,000 रुपए आपके एसेट्स में आ जाएगा, ये एक्रूड इनकम 5,000 रुपए आपकी एसेट्स में आपने दिखा दिया है। इसके अलावा अपन देखें क्लोजिंग स्टॉक, पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड 80,000, इट इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 व्हिच वर सोल्ड एंड रिकॉर्डेड एज सेल बट नॉट डिलीवर्ड टू कस्टमर, यानी हमने माल बेच दिया लेकिन डिलीवरी अभी तक नहीं की, और वो 80,000 रुपए में वो 10,000 का माल शामिल है, तो देखो कैसे दिखाएंगे, 80,000 का स्टॉक है, माल बेच चुके हैं, डिलीवरी नहीं की है, कोई बात नहीं, पर वो स्टॉक आपका नहीं है,
किसी और का आपके पास पड़ा है, तो वो 10,000 रुपए का स्टॉक आप यहाँ से हटा दीजिए, 10,000 रुपए का स्टॉक आप यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि वो अब आपका स्टॉक नहीं है, वो आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और वो 10,000 रुपए आपको अलग से भी दिखाने पड़ेंगे। इसका ट्रीटमेंट सेल में इसलिए नहीं किया गया, आप देखेंगे सेल में से इसको लेस इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सेल में से ये ऑलरेडी लेस है, लिखा है विच रिकॉर्डेड एज सेल, यानी सेल के अंदर तो ये ऑलरेडी 10,000 रुपए ऐड है। हाँ, 10,000 रुपए स्टॉक में शामिल था क्योंकि यहाँ लिखा था स्टॉक में इंक्लूड है, तो 10,000 रुपए स्टॉक में यहाँ से लेस हो गया, स्टॉक यहाँ भी 70 है और आप एसेट्स में देखेंगे तो वहां भी 70 है, यानी 10 वहां भी लेस हो गया। कुल मिलाकर इसका ट्रीटमेंट जो है वो दो जगह हो गया। फिर लिखा ऑन 1 जनवरी एक नई मशीनरी 80,000 रुपए की परचेज की गई, लेकिन कोई एंट्री पास नहीं की गई। अब मशीनरी खरीदी तो एंट्री होनी चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू क्रेडिटर कुछ तो होगा, तो अपन टू क्रेडिटर मान लेते हैं, किसी भाई कोई लोन वोन लिया होगा या लायबिलिटी वगैरह होगी जो पे करनी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट आपकी होनी चाहिए 80,000 रुपए की। तो चेक करो मशीनरी में आपका 80,000 रुपए जुड़ेगा और 80,000 रुपए से आपकी सप्लायर भी कहलाएगा, सप्लायर फॉर मशीनरी, है ना। सप्लायर फॉर मशीनरी क्रेडिटर से डिफरेंट है क्योंकि क्रेडिटर तो गुड्स के लिए होते हैं, सप्लायर किसी भी चीज के लिए हो सकता है, तो सप्लायर जो है मशीनरी के लिए है, तो हमने अलग से हमारी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ दिखा दिया है। अब वो मशीनरी में जुड़ जाएगा, अब उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आपको अलग से दिखानी पड़ेगी। आगे लिखा है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 10% ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स, सब फिक्स्ड एसेट्स पे 10% पर एनम लगाना है, लेकिन ये जो मशीनरी है ना ये 1 जनवरी को खरीदी गई है, इस पे 3 ही महीने का लगेगा, जनवरी फरवरी और मार्च का। पॉइंट नंबर 4 लिखा है मोटर बाइक वॉज सोल्ड 1 अप्रैल 2019 साल के शुरू में बेच दी एंड कैश वॉज यूज बाय मिस्टर अतुल फॉर हिज पर्सनल यूज, बट हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये तो ड्रॉइंग्स हो गई और मोटर बाइक भी चली गई आपकी, है ना। तो पहले तो मोटर बाइक बिकी तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर बाइक, और फिर ड्राइंग्स हो गई तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये दो एंट्रीज हो गई, तो मैं कैश से कैश तो काट देता हूँ, एक तो ड्राइंग्स है और मोटर बाइक क्रेडिट हो गई, यानी क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो मोटर बाइक तो चली गई आपकी और ड्राइंग्स हो गई, तो देखो मोटर बाइक कितने की थी, मोटर बाइक आपकी थी, अच्छा मोटर बाइक आपकी 15 की थी, तो 15 की मोटर बाइक यहाँ थी, 15 उसमें से चली गई, तो बचेगा कितना, 0, इसलिए इसने लिखा ही नहीं, और वो 15 की जो है मोटर बाइक को ड्राइंग्स में आपने यहाँ दिखा दिया क्योंकि आपने उसका पर्सनल यूज कर लिया था, तो 15,000 रुपये आपने यहाँ दिखाए हैं और 10,000 रुपये की पहली वाली ड्राइंग में आपने उसको ऐड भी किया है, तो यहाँ मोटर बाइक बेच के उस पैसे का पर्सनल यूज किया है इसलिए। फिर FIR अकर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 साल के 1 अप्रैल 2020, तो ये तो 31 मार्च 2020 के बाद हो गया, अगले साल का ट्रांजेक्शन हो गया 25,000 रुपए, तो इसका कोई ट्रांजेक्शन आप नहीं दिखाएंगे, उल्टा नोट में लिख देंगे कि ये इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेटा 1 अप्रैल को, हमारी तो बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 की है और ये है 1 अप्रैल 2020 का, ये तो अगले साल है, तो इसको बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, कहीं भी नहीं दिखाते इसको, ये अपन को ध्यान रखना है। और लास्ट है two-thirds of the expenses on carriage are related to the goods purchase and 1/3 to sale. तो 2/3 तो purchase से है, तो देखो carriage का खर्चा कितना है, carriage का खर्चा है 12,000, 12,000 का 2/3, 12,000 का 2/3 है 8,000, वो तो purchase से related है, जो खर्चे purchase से related होते हैं वो trading में आते हैं, और इसका 1/3 sales से related है, जो खर्चे sales से related होते हैं, यानी 4,000 वो आपका आएगा P&L के अंदर, तो ये adjustment इसके अंदर आपको दे रखे। देखिए इस क्वेश्चन में मोटर बाइक पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, रीजन ये है कि उसको 1 अप्रैल को ही बेच दिया साल के शुरू में, तो इन्होंने कहा सभी फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाओ 10%, पर मोटर बाइक को आप साल के शुरू में बेच चुके हैं, यानी वो साल भर यूज ही नहीं आई, तो जब यूज ही नहीं आई तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है।